पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त 8th फ्लोर पर हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कार्यालय के बाहर आज देखा जाए तो कई एसोसिएशंस आई हुई हैं जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आए हैं। वर्ष 2024 मिशन 2024 चुनावी वर्ष और कई कारण एसोसिएशन जो अपनी डिमांड्स को लेकर अक्सर आती भी रहती हैं और गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज सभी एसोसिएशन को अलग अलग समय दिया हुआ। हमारे साथ डेंटल मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। एसोसिएशन जो है उनके प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, एक तो आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर रमेश पंचाल हूँ, प्रेसिडेंट HCDS, कल ही नया नियुक्त हुआ हूँ। और आई भी, और आपके डिमांड्स क्या क्या है मेन? हमारी डिमांड ये है कि 84 से लेकर 2006 तक हमारा जो पे स्केल वगैरह सारा HCMS के साथ होता था। 2006 के बाद जब 6 पे कमीशन आया तो उस पर 2008-09 में हमारा डिफरेंस आ गया बिल्कुल। और मंत्री जी से कई बार पहले भी हमने रिक्वेस्ट की है, मंत्री जी ने हमारा अप्रूव भी कर दिया, CM साहब ने भी अप्रूव किया हुआ है। तो आज मंत्री जी से अनुरोध करने आए हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो डिमांड है उसको पूरी करा दी जाए। हमारे मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में जो पे है वो दोनों डॉक्टर्स की बराबर होती है। इवन बिहार में, राजस्थान में, आसपास के जो स्टेट हैं, हिमाचल है, पंजाब है, उसमें डेंटल की और मेडिकल की सेम पे होती है। उस पे के लिए हम अपने मंत्री जी से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी जो पेंडिंग हमारी डिमांड है 13-14 साल से हमारा चल रहा है, तो हमें मंत्री जी से पूरी उम्मीद है कि मंत्री जी हमारा काम कराएंगे, क्योंकि मंत्री जी बहुत पॉजिटिव आदमी है। कितने साल आपने 13-14 वर्ष बताए, मतलब इतना पुराना मसला 13-14 साल से पेंडिंग चल रहा है और मंत्री जी से हम मिलते भी रहते हैं। और आज हम यही अनुरोध लेके आए हैं नई एसोसिएशन की, हमारा जल्दी से जल्दी जहाँ भी फाइनेंस में या जहाँ भी रुका हुआ है उस मामले को जल्दी हमारी जो मांगे हैं उसको दूर कर दी जाए। मेन मांग हमारे कैडर की यही है, बाकी और तो डिमांड्स हैं वो भी हमने मंत्री जी को दी हुई है। मेन हमारा 5, 10, 15 पे हमारा सबको 100% को हमारा पे स्केल मिलना चाहिए। और हमारे जो चीज़ें हमें मिली थी 26 साल जो हमें दिया सरकार ने, वो हमारे से छीन लिया 2009 में, तो उसके लिए हाथ जोड़ने आए मंत्री जी से कि हमारे को दो 14 साल से हमारी डिमांड है। बातचीत करते हैं, कुछ और डॉक्टर मौजूद हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, एक तो आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर दीपक छिकारा। मैं आप एसोसिएशन में क्या है? मैं सर जनरल सेक्रेटरी हूँ एसोसिएशन में। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन मुद्दों पर? बस सर, जैसे हमारे प्रेजिडेंट सर ने बताया, हम अपने कार्डर की तरफ से रिक्वेस्ट करना है, जो हमारा मेन मुद्दा है सिर्फ ACP का है। तो जैसे जो नए बच्चे अभी उनको ना ACP आगे मतलब मिलती नहीं है, तो बस मंत्री जी से रिक्वेस्ट है भी हमारी ACP 100% कैडर को कर दे, जो हमारा रेडर लगा हुआ है वो हटा दे और 5, 10, 15 वाली हमारी जो पहले थी वही बहाल कर दे। मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर शिवानी सतीजा, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ HCDS एसोसिएशन की। और जो प्रेसिडेंट सर ने अभी बताया हमें, हमारी पूरी एसोसिएशन यही चाहती है कि हमारी पे पैरिटी हो, जो डिस्पैरिटी है HCMS के साथ वो हट जाए। एंड जो भी हमारे, हमने पहले इश्यूज़ HM सर के सामने रखे हैं, वो हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो देखिए, और कई एसोसिएशन आई हुई, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं उनसे। आपकी कौन सी एसोसिएशन है? मेरा नाम अमित बुरा, हरियाणा हेल्थ मिनिस्टर एसोसिएशन राज्य प्रधान। सबसे पहले तो हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की सभी एसोसिएशन को इकट्ठे बुलाकर उनकी समस्या जानने के लिए कोशिश की। आपके मुद्दे क्या क्या हैं? हमारी बेसिक सी मांगे हैं बिल्कुल, जो स्वास्थ्य मंत्री जी के बिल्कुल हाथ में है, जो आज की डेट में कर सकते हैं, वो नए पदों की मांग है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, काम बढ़ रहे हैं, तो हमारे नए पद नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे CHC लेवल पर डिप्टी स्टूडेंट की पोस्ट होनी चाहिए, इसके साथ साथ अधीक्षक की पोस्टें भी 200 बेड पे और 100 बेड पे, इस तरह की हमारी नए पदों की मांग है। एक हमारे साथ एक अन्याय हुआ है, सुपरिटेंडेंट का पे स्केल सभी डिपार्टमेंटों का 4600 ग्रेड पे है, लेकिन डिपार्टमेंट ने हमारा ग्रेड पे 4200 कर दिया, उसको 4600 दोबारा दुरुस्त करवाने के लिए। और इसके अलावा नए पदों की हमारी हो ही गई है, इसके साथ जी अन्य मुद्दे क्या क्या हैं? सर, मैं नेत्र चिकित्सा सहायक एसोसिएशन से जनरल सेक्रेटरी कमल कुमार सर। हमारी जो है मेन काम होता है प्राइमरी आई केयर प्रोवाइडर इन हरियाणा स्टेट। तो सर, हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो है PSC लेवल पे भी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहाँ भी हमारी पोस्ट का क्रिएशन हो, ताकि गांव वालों को भी नेत्र चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं प्राप्त हों। दूसरा हमारा एक पे स्केल का भी मुद्दा है, और एक हमारी जो बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है
वो उसका हमारा मुद्दा है सर। धन्यवाद। तो आपकी एसोसिएशन कौन सी है, क्या नाम? नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा। मेरा नाम निर्मल डांडा है और मैं प्रेसिडेंट हूँ। आपके मुद्दे क्या क्या हैं? हमारे मेन दो ही मुद्दे हैं। एक नर्सिंग अलाउंस 7200 रुपये है, जो जिसके लिए हम 1998 से लगे हुए स्ट्राइकें भी की थी और 2019 में जिसकी कैलकुलेशन करके डिपार्टमेंट ने सरकार को भेज भी दी थी, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो हमारा अब दूसरी डिमांड हमारी है ग्रुप बी की, हमें ग्रुप सी से ग्रुप बी में किया जाए। अन्य कई राज्य हैं जिन्होंने नर्सिंग स्टाफ को ग्रुप बी में ले रखा है। दो ही डिमांड हम लेके आए हैं सर के पास। और साहब ने तो नर्सिंग स्टाफ के लिए कई चीज़ें हैं, जो कई समस्याएं हैं आपकी हल्की हैं, आपको डेजिग्नेशन वाइज भी सारा कुछ मिला, काफ़ी चीज़ें दिलाई हैं। हाँ सर, हमें नर्सिंग जो हमारा नोमेक्लेचर था नर्सिंग ऑफिसर का, वो हमारा बिल्कुल सरकार का धन्यवाद करते हैं, वो हमारा चेंज हो गया 2021 में। लेकिन अभी तक HRM's डाटा में हमारा वो नर्सिंग स्टाफ ही चल रहा है, ना कि वो अभी ऑफिसर हुआ है। उसके लिए भी हमें बार बार मिल चुकी हूँ सर से, पिछले 3 महीने से लगातार मैं 5-6 बार आ चुकी हूँ, लेकिन अभी वो HRM's में चेंज नहीं हुआ है। इसके अलावा और डिमांड्स क्या हैं? और डिमांड तो हमारी जो अन्य छोटी डिमांड है वो हमारे DG लेवल के, वो हम वहाँ से करवा लें। लेकिन सरकार से हमारी दो मुख्य मांगे ही हैं, एक नर्सिंग अलाउंस 7200 रुपये, जो कि PGI रोहतक के अंडर जितने मेडिकल कॉलेजेज हैं वो 2007 से 1800 रुपये मिल रहा है और हमें कुछ भी नहीं मिला है। 1998 में हम सभी ने इकट्ठा संघर्ष किया था, PGI ने और हमने, और आज हमारी सभी की एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है और आज हम इन दोनों मांगों को लेकर चले हैं। वो 1800 से 7200 पे मांग रहे हैं, 1200 से सॉरी, और हम तो 0 से ही 7200 मांग रहे हैं कि हमें तो सेंटर के बराबर दिया जाए, 7200 अलाउंस दिया जाए और ग्रुप बी में शामिल किया जाए नर्सिंग कैडर को। तो देखिए, ये दृश्य है इस वक्त हरियाणा सचिवालय में 8वीं मंजिल पर, और एक तरह से जो दृश्य है वो मैं कैमरामैन संजय से कहूंगा कि दिखाने की कोशिश करें। अनिल विज के ऑफिस के बाहर जिस प्रकार से गृह व स्वास्थ्य मंत्री हैं, एसोसिएशन का पूरा रश लगा हुआ है, पूरी भीड़ है, अलग अलग एसोसिएशन आई हुई हैं। और भी कोई एसोसिएशन है तो हम कौन सी एसोसिएशन है? हरियाणा हेल्थ स्टेनो वेलफेयर एसोसिएशन से हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ एसोसिएशन में। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे भी हेल्थ स्टेनो की तरफ से हमारी कुछ मांगे हैं जो हम आज मंत्री महोदय के सामने रखे। कौन सी मांगे हैं? हमारा एक तो हमारा जो हमारा हेल्थ में स्पेशल सीनियर स्केल के लिए हमारी मांग है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से हमारी जो जूनियर स्केल है वो डिमनिश कैडर में डाल रखी है, इसलिए हमारा सीनियर स्केल पर प्रमोशन नहीं हो सकता। और हम सर से यही मांग करेंगे कि हमारे फील्ड में काफ़ी सीटें वीकेंट हैं सीनियर स्केल की, और उसको अब जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट करके उन पदोन्नति द्वारा पोस्ट को भरा जाए। धन्यवाद। तो देखिए, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 8वीं मंजिल हरियाणा सचिवालय इतनी रौनक लगी हुई है, जैसे कि जब अक्सर ये ऐसी जगह है 8वीं मंजिल, यहाँ जब भी भीड़ लगती है तो ज़्यादातर जब अनिल विज खुद मौजूद हों और उनके पास लगती है, लेकिन पुलिस विभाग को लेकर लगती रही है। लेकिन आज हेल्थ डिपार्टमेंट के अलग अलग जो एसोसिएशंस हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और अनिल विज अंदर उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कर्मचारियों को ये उम्मीद है कि अनिल विज जो सकारात्मक सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी समस्याएं जो हैं इनके एसोसिएशन के माध्यम से सुनवाई भी होगी और इनको कहीं ना कहीं कोई मंजिल भी मिलेगी। वैसे भी ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष होने के कारण जो एसोसिएशन हैं सरकार से ज़्यादा उम्मीदें भी लगाकर रखती हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।